सर, बच्चों के सीखने के आकलन का एक मुख्य बिंदु उनका जो लिखित और मौखिक मूल्यांकन तो सरकारी पद्धति में चलता ही है, उसके अतिरिक्त जो मूल्यांकन की मेरी खुद का जो तरीका है वो ये है कि बच्चे उसका परिवेश में कितना उपयोग कर पा रहे हैं, उस चीज़ में बता रहा हूँ, उस चीज़ को अपने जीवन में ढाल पा रहे हैं या नहीं ढाल पा रहे हैं, आसपास में कितना यूज में ले रहे हैं उस चीज़ को। जैसे कई बार मैं देख नोट करता हूँ कि यदि मैं बच्चों को मैंने मोशन के बारे में पढ़ाया है तो वो रफ और स्मूथ सरफेस के बारे में तिलकुत के दौरान बात करते हुए दिखाई देते हैं कि देखो सर ने बताया था अभी रफ सरफेस पर और फ्रैक्शन की वजह से मोशन कम हो पा रहा है, स्मूथ सरफेस पर फ्रैक्शन वजह से मोशन काफ़ी तेज गति से हो रहा है, ऐसा कुछ जो वो यूज में लगता दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ सीख रहे हैं बच्चे, भले ही हो सकता है कि वो शब्दों की कमी की वजह से उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये अलग चीज़ होती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के पास में खुद का जो शब्दकोश होता है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि देवनागरी में बोलें वो, पर नहीं बोल पाते वो हिंदी में, लेकिन वो अपनी बोलचाल की भाषा में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सप्लेन भी कर देते हैं उस चीज़ को। इस संबंध में गुरु जी कहना चाहूँगा, कुछ अन्य पुस्तकें जो हमारे पाठ्यपुस्तक से संबंधित नहीं होती उनका भी हम उपयोग करते हैं, जैसे एक साइंस जर्नल जो विज्ञान प्रकृति और आविष्कार जैसी कुछ पत्रिकाएँ आती हैं जो हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं, साइंस की अधिकांश किताबें होती हैं विज्ञान के बारे में या विज्ञान की नॉलेज के बारे में, वो सब मोस्ट ऑफ साइंस के इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होती हैं, लेकिन कुछ हिंदी में भी हैं, विज्ञान प्रकृति आविष्कार हैं, तो व्यक्ति तौर पर वो खरीद कर ला करके और बच्चों को बताता हूँ, उनमें काफ़ी कलरफुल चित्र दिए हुए होते हैं, कुछ और जानकारियाँ उनके लिए होती हैं एक्स्ट्रा में, तो वो एक अतिरिक्त मटेरियल के तौर पर काम करते हैं और बच्चे इंटरेस्ट से उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते हैं। परिवेश से जोड़ने के लिए जहाँ तक बात है कि अक्सर साइंस लैब्स जो होती हैं नॉर्मली प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अवेलेबल नहीं हो पाती और हमें भी इसकी काफ़ी कमी महसूस होती है, तो जो प्रैक्टिकल हम दिखाना चाहते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता, तो इसके लिए जो चीज़ें मिल सकती हैं आसपास नज़रिए से, जैसे कि एक सिक्स्थ में चैप्टर आता है पौधे के विभिन्न भाग और उनके कार्य, तो उसमें आप यदि उनको मूसला मूल रिश्तेदार मूल के बारे में बता रहे हैं या स्टेम के बारे में टाइप ऑफ स्टेम्स वर्क ऑफ स्टेम्स फंक्शन ऑफ स्टेम्स उनके बारे में बता रहे तो दिखा सकते हैं। जैसे एक जो गाजर घास वगैरह या नॉर्मल घास कहीं भी मिल जाती है और विद्यालय के मैदान में भी मिल जाती हैं, तो उसके बारे में बच्चों को बताता हूँ कि देखो बच्चों ये जड़ हैं, ये मूसला मूल का उदाहरण है एक, जिसमें एक मेन रूट होती है और उसमें ब्रांचेस निकलती रहती हैं, इसके जस्ट अपोजिट जो रिश्तेदार मूल होती है उसमें मेन ब्रांच नहीं होती, जो मेन रूट नहीं होती, बाकी सिर्फ रेसे निकलते रहते हैं, वो रिश्तेदार मूल के रूप में काम में आती रहती हैं। इस तरह से जो स्टेम है तो स्टेम और आपके पर्व है पर्व संधियाँ हैं, या फिर यदि पुष्पों के बारे में जानकारी चाहिए तो बच्चों को बताता हूँ कि देखो बच्चों पुष्प में ये दलपुंज होते हैं और इस तरह से जो कलिका प्रावस्था होती है उसके उसमें बाह्य दल भी मौजूद रहते हैं जो हरे रंग के होते हैं, और इसी तरह से उसके जो पुंकेसर हैं वर्तिका वर्तिकाग्र वगैरह हैं, तो बच्चे उन चीज़ों को काफ़ी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको स्वीकार कर लेते हैं। मेरी ज्वाइनिंग के समय की है, कक्षा एक के बच्चे को मैं कक्षा एक में पढ़ा रहा था, उसमें बच्चे को मैंने पास में बुलाया और मैंने कहा चलो बेटा खड़े हो गए आप गिनती बोलो, तो बच्चा खड़ा हो गया मेरे पास आ गया, कुछ दूर था, मैंने उसे खींचने के लिए सिर्फ अपने पास लाने के लिए उसे हाथ उसका हाथ पकड़ा कि बेटा इस तरफ आओ, तो वो बच्चा जरा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, मैंने कहा बेटा गिनती बोलो बोलो एक, तो बच्चा जरा अपनी जो उसकी मातृभाषा है उसमें ज़ोर से बोलने लगा, अरे मार साहब मुना नहीं आओ तो मुने एक बोलनो भी नहीं आओ तो, यानी कि वो बच्चा एक बोल रहा लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को भुला दे उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो बच्चा आज हालांकि सेवन्थ में पढ़ रहा है पर मुझे काफ़ी याद आता है, कई बार हम दोनों बैठकर बात करते हैं इस संबंध में कि उस समय वो कैसा था, काफ़ी झिझक थी बच्चों में और डरते थे भी बच्चों से, आज वो डर और झिझक नहीं है बच्चों में।